for giving your precious time for our Samvad series. As I have heard and we have met at Puducherry, and the thing what we have heard about you and read about you is far different from what when we meet you. You are a person of magnificent personality. I welcome you, madam, on our Samvad series. I also welcome Mr. Ratnesh Kumar, Vikash Mehta ji, Pankaj Kumar, and Mr. Ravi Kumar, who is SP West of Agra, and all my media personals, my friends, my students, research scholars, teachers of different universities, and all those who have joined this Samvad on Facebook and are online with us. I welcome everybody. Madam needs no introduction. किरण बेदी अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर यह परंपरा है तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में बताना पड़ रहा है। हमारे भारतवर्ष में हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें एक पर्सनालिटी है वो डॉक्टर किरण बेदी जी का है। ये एक बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन हैं और अभी तत्काल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पांडिचेरी की। पुडुचेरी में मेरी मुलाकात मैडम से 6-7 महीने पहले हुई और वहाँ मैंने देखा कि जो गवर्नर हाउस के जितने भी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे मेंटेन करते हुए ये इस उम्र में भी राज्यपाल होते हुए भी ये इतने एक्टिव हैं, पुलिस ऑफिसर इतनी सशक्त महिला है कि इनके बारे में शब्द हमारे पास नहीं है कि हम बताएं कि ये किस तरह से दिन रात वहाँ लगी रहती हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, वहाँ के एनजीओज में महिलाओं को काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए। और सिर्फ रोजगार यहाँ नहीं देना है, उनके प्रोडक्ट्स को बाहर भेजने और बेचने में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है कि लोअर लेवल पर भी महिलाओं को ये सशक्तिकृत कर सकें। उसी समय मुझे ये लगा कि मुझे मैडम को अपने फोरम पर बुलाना चाहिए ताकि मैडम जिस तरह से वहाँ महिलाओं को सपोर्ट करती हैं कि वो प्रोडक्शन में भी जाएं और उनके कमोडिटीज़ भी मार्केट में सेल हों, तो ये सही माने में मुझे लगता है कि हम ग्रामीण महिलाओं को या महिलाएं जो निचले तबके की हैं, जो दबी हुई हैं, जिन्हें बहुत प्रखरता नहीं मिली है, उन्हें मुख्य धारा में ला करके किस तरह से हम जोड़ करके उन्हें हम एम्पावर कर सकते हैं। मैडम का बहुत ही योगदान रहा है नशा उन्मुक्ति में। इन्हें ढेर सारे अवार्ड मिले हैं और इन्हें इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि इनके अवार्ड्स की कोई गिनती नहीं है, जिनमें कुछ है इन्हें ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए नोमेडा अवार्ड मिला है, लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड इन्हें मिला है 2014 में, इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, पुलिस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है, कैडेट ऑफिसर अवार्ड है। ये इतने सारे अवार्ड्स हैं कि इनकी गणना की जाए तो ये समय हमारे पास कम पड़ जाएगा। मैडम बेदी का ये बहुत ही इनका बहुत ही ये सॉफ्ट व्यवहार जो है ये लोगों को अपील करता है। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर इनके सुने हैं जिन्होंने लेक्चर दिया है जेंडर सेंसिटाइजेशन पर, और हमारा सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने बच्चियों के साथ जो संवाद किए हैं, जो स्कूल्स में जाकर के इन्होंने संवाद किए हैं, जिसमें किसी ने कहा कि बेस्ट मोटिवेटर क्या है, इन्होंने कहा आप अपने मोटिवेटर खुद बनो। और मोटिवेशन अगर आप खुद अगर मोटिवेटेड होते हैं तो फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप पढ़ने बैठे या आप कोई काम करें। आप अपने आप को मोटिवेटर बनाएं, अपना रोल मॉडल खुद बनाएं और आप आगे बढ़ें, और इसी तरीके से हमारा घर बढ़ेगा, हमारा प्रांत बढ़ेगा, हमारा राज्य बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, और हम आगे जा कर के हिंदुस्तान कहीं ना कहीं हम विदेश जो पूरे विश्व में हम हैं वो कह सकेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम अग्रसर हैं, हम आगे चल रहे हैं, और मैडम जैसे महिलाओं का हमारे समाज में अत्यंत आवश्यकता है, जो अपने आप को रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करती हैं। और इन्होंने ये भी दिखाया है कि वर्किंग मदर होते हुए भी, वर्किंग लेडी होते हुए भी, इन्होंने दोनों फ्रंट पर बहुत ही एक्सेल किया है। इनके बारे में ये कहना गलत होगा कि इन्होंने एकेडमिक्स पर ध्यान नहीं दिया है। मैडम के बारे में मुझे पता चला कि ये लेक्चरर थी इनिशियल स्टेज में, जब इन्होंने अपनी शुरू की अपनी ज़िंदगी, तो इनकी ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई है वो एक व्याख्याता के रूप से हुई है। तो मैडम हम लोग टीचर्स हैं तो आपको इसलिए भी आपका अभिनंदन करते हैं कि एक व्याख्याता होते हुए भी आपकी सोच जो है वो पुलिस ऑफिसर की सोच हुई और आपने उसमें एक टीचर की सोच को आपने समान्वित किया, मिलाया और उसको आप आगे लेकर के चली। आपने अपने जिंदगी को आज के डेट में भी ये बताया है कि सही मायने में महिला सशक्तिकरण क्या है, किस तरह से एक महिला जो है वो आगे बढ़ सकती है। और ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में आज भी हमारा समाज जो है ये 100% पैट्रियार्कल सोसाइटी है और इस पैट्रियार्की वाली समाज में इन्होंने फीमेल्स को एक इम्पॉर्टेंट दर्जा देने के लिए इन्होंने उस समय आईपीएस ऑफिसर ज्वाइन किया जिस समय कोई महिला पुलिस ऑफिसर वहां नहीं थी और ये 80 के बैच में एक और एक मात्र महिला पुलिस ऑफिसर थी। पुलिस आज भी महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त लोग कहते हैं नहीं है, लेकिन ये उस समय उनके लिए कितना कठिन दौर रहा होगा कि मैडम आज के डेट में रोल मॉडल हैं हमारे यहाँ। हमने कहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी हमने पोस्ट किया तो लोगों ने कहा किरण बेदी जी शी इज आवर रोल मॉडल। लेकिन मैडम के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, उनके पिताजी के बारे में मैंने देखा तो मैंने पाया मैडम रोल मॉडल तो आपके पिताजी हैं कि उन्होंने 4 बच्चियों को पढ़ाया और उन्होंने समाज में, अपनी संपत्ति में, हर चीज में ऐसा दर्जा दिया कि वो महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ करके समाज में गणमान्य व्यक्ति के रूप में वो हमारे यहाँ आई हैं। मैडम ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और इनकी लिखी हुई पुस्तकें हमने भी कुछ देखी हैं और ये कहना सही होगा कि इन्होंने ज़्यादातर किताबें जो इनकी हैं ये आपको प्रोत्साहन देने के लिए है। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, आई डेयर। इंडियन पुलिस पर भी इनकी किताबें लिखी हुई है, लीडरशिप एंड गवर्नेंस पर भी किताबें लिखी हुई हैं। तो मैडम के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर हम मैडम को सुनने की जो इच्छा रखते हैं वो हमारा समय जो है वो घट जाएगा। मैं मैडम आपका अभिनंदन करती हूँ और आपसे ये निवेदन है कि इस कोविड-19 के दौर में जिस तरह से हमारी महिलाएं जो हैं ये लॉस्ट हो गई हैं, विमेन इश्यूज जो है ये लॉस्ट हो गया है इन द एरा ऑफ दिस कोविड-19 बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गए हैं कि महिलाओं के प्रॉब्लम पर ध्यान देने के लिए अभी हमारे यहाँ एक सामाजिक चेतना की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि फीमेल्स जो हैं ये बाहर के काम से भी दबी हुई हैं, घर के काम से भी दबी हुई हैं। बहुत सारे जगह हम देख रहे हैं नौकरियां भी चली गई हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है। तो इस कठिन दौर में, इस कोविड-19 के दौर में किस तरह से मैडम आप हमें थोड़ा ये बताएं कि हमें नए ग्रोथ मॉडल की आवश्यकता है, न्यू ग्रोथ मॉडल, जो हम बंदरीकरण के मॉडल से बाहर निकलें और अपने राज्य, अपने हिंदुस्तान में हम एक नया मॉडल किस तरह से बना सकते हैं कि हमारी महिलाएं जो हैं ये इस बंद लॉक एंड डाउन का जो सिचुएशन है चारों तरफ, उसमें किस तरह से अपने आप को मेंटली आप कंट्रोल कर सकें, अपने आप को बैलेंस रखते हुए इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के दौर से किस तरह से आप अपने आप को फिर से निकालना है ताकि हम अपने आप को समाज में और सोसाइटी में, कंट्री में हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े क्योंकि हमारे यहाँ 50% आबादी जो है वो महिलाओं की है और जब तक महिलाएं सशक्तिकृत नहीं होंगी, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। ग्रोथ तो हमारे यहाँ दिख रहा है लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैडम आप जरा प्रकाश डालेंगी अपने विचार से कि किस तरह से ये जॉबलेस ग्रोथ जो है इसको हम लोग जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं इस पर भी थोड़ा सा मैडम आप अगर विचार करेंगी, हमें बताएंगी तो अच्छा लगेगा। और लोकल को वोकल, इसको ब्रांड बनाना है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि पांडिचेरी में हमने कुछ देखा कि आपने कुछ एनजीओस को इस तरह से सपोर्ट किया है कि वो काफ़ी महिलाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन कर रही हैं। तो उसको क्या हम रोल मॉडल की तरह दूसरे जगह भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं क्योंकि पॉलिसीज अगर सब जगह सेम रहेंगे तब तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमें नई नीति की, नए एजुकेशनल मॉडल की ज़रूरत है, कुछ कंप्यूटर की शिक्षा की भी ज़रूरत है जो ग्रामीण इलाका में, हमारे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो है लेकिन ग्रामीण इलाका में और छोटे शहरों में कंप्यूटर की शिक्षा अभी भी हमारे यहाँ नहीं है। तो स्किल हम किस तरह से डेवलप कर सकेंगे ताकि महिलाएं जो हैं ये कंप्यूटर के माध्यम से घर में भी रह करके आप अपने सामान बनाएं और आप उसको मेल कर, आप उसको बाहर आप उसको सेल कर सकते हैं ताकि बाजार जो है वो आपके घर के लैपटॉप पर आ जाए। मैडम मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके ऊपर हैंड ओवर करती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि इस तरह से बिल्डिंग ट्रस्ट जो है वो कैसे हो हमारे समाज में, जो सरकार के द्वारा और आपके द्वारा ये सपोर्ट मिले। ये संवाद सीरीज मैडम हमने एक संवाद रखा है कि इसमें हम छोटे छोटे सामाजिक प्रॉब्लम्स को हम लेते हैं और गणमान्य लोगों को बुलाते हैं ताकि आपकी बातें जो हैं वो हमारे नए बच्चों तक पहुंचे, हमारे समाज के विभिन्न तबकों तक पहुंचे, क्योंकि कानून और किताबें अगर हम लिख दें लेकिन संवेदना हमारे मन में अगर नहीं हो, ज्योति अगर हमारे हृदय में न जले तो फिर ये हमारे यहाँ वो बातें किताबों में ही रह जाती हैं। तो हमारा ये प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, जिसमें हम शुक्रगुजार हैं कि आपने भी उसमें हमारे साथ अपना समय दिया है और आप इसको जरूर हमें मदद करेंगे कि किस तरह से हम इस मोमेंट को हम यूटिलाइज करें और हम अपने आप को हम एक जगह एकजुट होकर के महिलाएं जो हैं वो मानसिक रूप से परेशान ना होकर के कोविड-19 के डिस्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर को ओवरकम कर सकें। धन्यवाद डॉक्टर रॉय, धन्यवाद डॉक्टर सुनीता रॉय जी। Good to see my police colleague Mr. Ravi Kumar there. Very happy to see you. Thank you very much, ma'am. It is an honor and pleasure for me too. Thank you. Very nice. Very happy to see you, Dr. Rakesh Ranjan. Dr. Rakesh Ranjan. Thank you so much, ma'am. It's an honor. You are also in Patna. Where are you in? Which Patna University? Yes, ma'am. I'm in UGC Women's Study Center in Patna University. See what is हुआ क्या है, जो मेरी समझ में हुआ क्या है। पहले मैं सिर्फ 5-10 मिनट बोलूंगी, उसके बाद हम Q&A पर चले जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट हमारे काम का हिस्सा, पढ़ाई का हिस्सा नहीं रही और आज उसका नुकसान हुआ। हम सब जॉब्स की तरफ भागते रहे। जिसने स्किल ले ली नॉर्म अपने आप मेहनत करके, वो कोविड में टाइम मर भूखा नहीं रहा। सो स्किल डेवलपमेंट जो है उसी को आपूर्ति कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन नई पॉलिसी में। और जिसको अपने आप में शौक था अपनी कमाई करने का, स्किल लेने का, वो पास हो गए। मैं आपको एक जो मैं कह रही हूं उसका एक छोटा सा उदाहरण अभी देती हूँ। आपके वेबिनार से पहले मेरा वेबिनार हो रहा था मेरी एनजीओ के साथ, और मेरी एनजीओ है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, और वो पिछले 20 साल से कोई बहुत 100 हरियाणा के 100 विलेजेस में स्किल्स ट्रेनिंग देती है। और वहां की गांव में महिलाओं के लिए एक विमेन एम्पावरमेंट सेंटर है। तो हम बड़ी मुश्किल से 20 साल पहले, मुझे याद है, हम लोग महिलाओं को घर से बाहर बुलाते थे सेंटर में कि आओ सीखो कुछ। इतने लंबे लंबे घूंघट होते थे उनके। और बड़ी मुश्किल से पुरुषों को बोला कुछ नहीं, हम बागी नहीं करेंगे, आपका खाना बनाएंगे आके, चिंता मत करो, इनको आने दो। तो वो आ गई, और जब वो आ गई तो हमने उनको शिक्षित किया, साक्षर भी किया, हुनर भी दिया। किसी को डिजाइनिंग सिखाई, टेलरिंग सिखाई, एम्ब्रॉयडरी सिखाई, बड़ा कुछ सिखाया, यहाँ तक कि कंप्यूटराइजेशन भी सिखाया। ये मैं 20 साल की पुरानी बात कर रही हूँ, चलते आए। और उतने नॉर्मल डेज में उन सब ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू किया, लेकिन ना भी किया तो भी। फिर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए वहां गाँव में। सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी बहुत काम उन्होंने सीखा, कंबाइंड ट्रेनिंग करी। सो जिन्होंने नॉर्मल टाइम पर, डॉक्टर रॉय, जिन्होंने कोविड के पहले वोकेशनल स्किल में एंड सेल्फ हेल्प में महिलाएं आई और जुड़ी, कोविड के टाइम पे पास हो गई। मैं आपको उदाहरण देने लगी थी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन। अभी आपके पहले मैंने महिलाओं की कहानियां सुनी, और कहानी थी आत्मनिर्भरता की। मुझे एक महिला के बाद दूसरी महिला ने ये बोला कि मैंने जो स्किल सीखी थी 15 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, मैं अपने घर को चला सकी क्योंकि मेरा जो पति था वो नौकरी से हट गया। एंड आई ऑन द कॉन्ट्री हैव सीन के नवज्योति गांव में जो महिला के पास हुनर था, उसने अपना घर चलाया है। और एक औरत ने तो ये बताया कि उसकी सास ने उसको बोला, इतनी मुश्किल के टाइम पर मेरा घर मेरी बहू ने चलाया, क्योंकि उसके पति का काम हट गया। और एक कहानी नहीं दूसरी। मेरा कहने का, आपको ये कहने का है कि हमको इस वक्त एक आत्मनिर्भरता का मतलब हुनर। हर महिला को पूछो तुझे क्या आता है काम करना, वो कहेगी मुझे अचार बनाना आता है। कोई बात नहीं, बनाओ अचार, बनाओ अचार, बेचो, ऑनलाइन बेचो। इसका मतलब दो चीजें हम सिखाएंगे उसको, ऑनलाइन पे आना और अचार बनाना। वो तो, और मैंने देखा हर घर हर औरत अपने तरीके से अचार बनाती है। किसी को स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये नेचुरल टैलेंट है एक औरत में। सो मैं इस वक्त उस एक कैटेगरी ऑफ वुमेन की बात कर रही हूँ, आपकी और मेरी कैटेगरी नहीं। मैं मिडिल क्लास एंड अबव की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जो कि मेजोरिटी है इस वक्त। सो हमको अगर एक आंदोलन शुरू करना है तो वो ये शुरू करना है कि गांव में जो पंचायतें हैं, पंचायतें में आधी % महिला मंडल हैं, महिला मंडल के पास रिसोर्सेज हैं, वो हर घर को सक्षम करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर बने, स्किल सीखें और कंबाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग सीखें ताकि वो जुड़ सके। और मुद्रा गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की स्कीम्स में कोई अंत नहीं है इस वक्त। मुद्रा स्कीम्स में आपको छोटी लोन भी मिलता है, मोटा लोन भी मिलता है, 5 लाख तक आपको लोन मिलता है। आप छोटा लोन लेके, सेल्फ हेल्प ग्रुप से भी लोन लेके, एक समूह बना के, चाहे वो कैटल है, कोई भी आपको टैलेंट है। मैं इस वक्त उस वर्ग की बात कर रही हूँ जो मास्टर्स और PhD नहीं है। आई एम टॉकिंग ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ग्रास रूट वुमन जो अपने घर को चला रही है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसको लोन भी मिलता है और मिलके कई बहनें। सो विमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हो, कोविड में वही घर अपनी रोटी अपने आप को बचा सका जिसकी महिला में कोई हुनर था और वो आगे काम कर सकी और सीखा था। वो इंटरनेट भी जुड़ सकी, SMS भी कर सकी। तो किसी जिसने नहीं सीखा है, अब हमारा टारगेट वो है गांव में। सो अगर हमारा ये यूज आपका, आप एजुकेशन समुदाय है, टीचर्स है, यू मस्ट स्प्रेड आउट एंड गो इनटू द विलेजेस एंड अदर्स। अच्छा, ये सेम चीज अर्बन में भी है। जैसे रूरल प्रोग्राम्स में आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विमेन अर्बन में भी ऐसा है। पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं, कॉल्ड द अर्बन लाइवलीहुड मिशन, कॉल्ड द अर्बन लाइवलीहुड। सो अर्बन लाइवलीहुड मिशन हम अर्बन में चलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हम गांव में चलाएं, मुद्रा स्कीम्स के साथ जोड़े और पॉलिटेक्निक्स के साथ जोड़े, स्किल्स डेवलपमेंट के साथ जोड़े, इंटर्नशिप जहां जहां फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां थोड़ा सा काम करें, और या उनके कोऑपरेटिव्स बनाएं। अगर हम उनके कोऑपरेटिव्स बनाएंगे तो वो अपना सामूहिक तरीके से अपनी बिक्री कर सकती। तो विमेन एम्पावर, तो कोविड की जो मार है वो काट सकते, दे कैन रिड्यूस इट, दे डोंट। देखिए, कोविड इज देयर टू स्टे फॉर सम टाइम, अब जाने वाला नहीं है ये 1-2 साल 3 साल नहीं जाने वाला, जब तक सभी को आपको इंजेक्शन नहीं लगता और वो भी वैक्सीन जो काम करे। सो जब तक पूरा, जैसे मीजल्स है, पोलियो है, पोलियो को कितने साल लगे इंडिया में इराडिकेट होते, इतने साल लगे। सो मेरी सजेशन ये है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नाउ हैज टू बी एन आंदोलन एंड इट हैज टू बी फ्रॉम ओवर 6 लाख विलेजेस, और उसमें से 1/3 तो वुमेन मेंबर्स हैं और महिला मंडल हैं। वे खुद ही अपना शक्तिकरण कर सकती हैं, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट तो खुद कर सकती हैं। हम उनको ये मैसेजेस दें कि अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, जो हुनर आता है नेचुरली वो सीखो, और सिस्टरहुड बनाओ। सिस्टरहुड बनाने से आप अपना काम कर सके, मिलके काम करें। जैसे आपके गुजरात में है, आनंद इज नथिंग बट अ वुमेन्स कोऑपरेटिव, मेजर फैमिली कोऑपरेटिव, जहाँ घर घर में गाय है, दूध देते हैं तो दूध कोऑपरेटिव में जाता है, अमूल बनता है, और देखिए उसकी वैल्यू एडिशन कितनी ज्यादा है। एंड वेमेन आर एम्पावर्ड, वो बिजनेस कर रही हैं। सो इस वक्त कोई मोटा नहीं, छोटा बिजनेस नहीं, बिजनेस इज बिजनेस। यहां तक कि ये भी बिजनेस है कि आप कूड़े को भी मैन्योर बना सकते हो और मैन्योर बेच सकते हो, यहां तक भी बिजनेस है। आज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो आज सैनिटेशन पर हैं. दे आर ऑन सैनिटेशन. दे आर कलेक्टिंग द गार्बेज विच इज कॉल्ड green gold. Garbage today is also being called green gold because you are converting into manure and selling it as manure. So I would say at the moment, COVID ने ये सोच सब पहले तो सबको बराबर कर दिया, लेकिन women की problems बढ़ा दी भी हैं कई जगह, जैसे कि वो घर में ज्यादा फंस गई, उनकी mobility खत्म हो गई, और अगर तो घर सुखी है तो वो सुखी है, अगर घर में मार कुटाई है तो कहाँ जाए. उसमें गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेबरहुड्स का भी रोल है, नेबरहुड्स का भी रोल है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का भी रोल है. यहाँ पर आ गई ना पंचायत की बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात, तो ये इनके रोल है. सो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहूंगी कि इस वक्त वी नीड टू स्प्रेड आउट एंड ये जितने भी ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं इनके रोल्स आइडेंटिफाई हों और अपने अपने रोल को निभाए, जैसे हम कर रहे हैं. हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने पांडिचेरी में खूब, अर्बन फ्रंट पे बहुत सारे कर रहे हैं, स्किल्स ट्रेनिंग पर दे रहे हैं, मुद्रा स्कीम बहुत बांट रहे हैं और ये रेडियो से उनको मैसेजेस जा रहे हैं कि आओ. सिमिलरली प्रधानमंत्री जी की ये भी स्कीम है कि अगर कोई वेंडर है या लोकल वोकल वाले तो वो भी उनको लोन मिलता है ताकि आप अपने काम को और बढ़ा सके. सो दिस इज माई ओपनिंग स्टेटमेंट. कोविड इज अ रियलिटी. Instead of now complaining, we have to accept it. अब इसको accept करके अपने pivot को बदलें, focus को बदलें, reality को accept करके, और ये देखें अब मैं क्या सीख सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, किधर जाऊँ, मुझे सलाह कहाँ से मिलेगी ताकि मैं अपनी हेल्प खुद कर सकूँ. अगर घर नहीं उसको चाहिए तो कोई बात नहीं, अपने घर का पालन पोषण अच्छा करे ताकि उसका परिवार सुखी हो, उसके बच्चों को पूरी अटेंशन मिले, बच्चों की टीचर बने, पति का घर. और अगर डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है तो तुरंत उसको पता होना चाहिए किससे हेल्प लेनी. आई वॉन्ट हर कि उसको इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है और कहाँ मदद लेनी है और मैंने अपने आप को खुशी और तंदुरुस्त कैसे रखना है. टू मी दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट. यस मैडम, योर क्वेश्चंस. I am asking with you one question, madam. I am speaking from Patna, Bihar. My name is Tappan Kumar Sandiley. Present time, I am principal of a College of Commerce, Arts and Science, Patna, and formerly I am former Vice Chancellor, Nalanda Open University, Patna. I am going to put up one question with women empowerment. Women are more in informal sector of economy. It is reality of our economy because I am man of economics. So that I am focusing the women empowerment. Women are more in formal sector of economy aesthetically to most of the single parent households are headed by women. You told your speech also about the households are headed by women. Women is important. Some families where family is single mode. So due to loss of job, this is my question. Due to loss of jobs and increased financial stress on women, and combined with other issues such as increased domestic violence, women are under tremendous mental stress. So how should we address? So I guess he removed this question. If the question is completed, Honorable, can you please answer that question? If it is not, I request Prithnesh Kushwaha to ask the question. नमस्कार मैडम, मैं रत्नेश, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विमेन एम्पावरमेंट पे आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला. मैं पटना बिहार से रहने वाला हूँ और बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब अभी रिवर्स माइग्रेशन चला और पूरे देश से लोग बिहार में रिवर्स माइग्रेशन में आया तो कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं के ऊपर महती जिम्मेवारी हुई अपने घर परिवार को चलाने की दृष्टि से. तो बिहार जहाँ पर मैन पावर रिच स्टेट है बट देयर इज अ लैक ऑफ इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, तो वहां पर विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में कैसे रोजगार क्रिएशन हो और विमेन एम्पावरमेंट में उनका कैसे योगदान बढ़े, उस पे आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। किसी ने सर्वे किया है कि महिलाओं को क्या चाहिए? किसी ने कोई सर्वे किया गांव वाइज, शहर वाइज कोई सर्वे किया? क्योंकि आपके तो पंचायत आधी पंचायत विमेन की है बिहार में। जी तो रिजर्वेशन डिपेंड करेगा, कोई जेनरिक आंसर नहीं हो सकता, मैं नहीं दे सकती। मैं जेनरिकली ये कहूंगी कि महिलाओं को एम्पावर करने का फिनेंशियल एम्पावरमेंट विमेन ही आपको सिस्टम लाने पड़ेंगे। लेकिन आपका सर्वे क्या कहता है? सो यू नीड टू डू सर्विस, यूजीसी कैन डू लॉट्स ऑफ गुड सर्विस, और सर्वे के आधार पे आपको पता चलेगा कि आपका इशू क्या है। और जब इशू पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी एनर्जी, आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करोगे। आप कहीं काइंड में इन्वेस्ट करोगे, कभी कैश में करोगे, कहीं स्किल में करोगे। तो आपको सर्वेस करना बहुत जरूरी है। सबको आप टेलर नहीं बना सकते, सबको दुकानदार नहीं बना सकते, सबको आईटी नहीं बना सकते। हर एक की अपनी जरूरत है, अपनी चाह है, अपनी ओरिएंटेशन है, अपने इंक्लिनेशन है, अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो आपको तो विलेज वाइज आपको नीड बेस्ड सर्वे करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाए। इट शुड बिकम अ विलेज प्लान। Thank you, madam. It's a nice suggestion from your side. Thanks a lot. I request Ravi ji to kindly ask the question. Once again, good evening, ma'am. Jai Hind. My name is Ravi Kumar, and this is the third time. It has been my luck to see you. The first time you came to NPA to deliver us a lecture, I belong to the 68 RR batch, ma'am. And the next time I had good fortune to interact with you in Bhopal during my foundation course in RCVP Norona Academy of Administration, ma'am. Ma'am, your words of wisdom and your personality keep inspiring all of us, especially in Indian Police Service, ma'am. And I am getting emotional while speaking to you. You can understand the emotion of a young IPS officer. You are a legend of IPS service, ma'am, and you have motivated millions of girls to venture in unmarked territory to lead the society in a better direction. And your motto of service before self and your words of wisdom, like when you told us to work hard every day for making our reputation, we have to make our reputation every day. These things keep reminding us to stay on course, stay on path, so that we can perform better, we can deliver the service for the society. Ma'am, as you have said that we need to have a village plan for the society, for development of any local village. Ma'am, I just wanted to ask कि अगर ऐसा local plan हो, but there should be a general guideline. Like there are many national plans, national missions going on from central government, but to make it localized, there should be certain basic ingredients delivered from top to. Because sometimes what happens that if we do the micro planning, the overall vision is lost. So what things should we incorporate in our working, especially in government sector, that we can have that broader vision too, and we should have that our local feeling and local ideas and experiences in that planning. रवि, मैंने देखो आपको बताया, उनको भी रजनेश ने भी पूछा क्वेश्चन कि हम विमेन एम्पावरमेंट में क्या करें। तो कितना मैं ग्राउंड में आई ना गांव में कि आप सर्वे करो ताकि लोगों, औरतों को, महिलाओं को वो मिले जो उनको वहां पर चाहिए। पांडिचेरी में बैठे हुए मैं कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ कि एक बिहार के गांव में महिलाओं को क्या चाहिए, लेकिन सर्वे करोगे तब पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो एक लार्जर मैसेज ये है आत्मनिर्भरता का, लार्जर पॉलिसी। आपको प्राइम मिनिस्टर एक मार्गदर्शन दे रहे हैं आत्मनिर्भरता का, लेकिन इस आत्मनिर्भरता को को कैसे अप्लाई करोगे उसको आपको वोकल लोकल जाना पड़ेगा. सो देयरफॉर फ्रॉम पॉलिसी ऑफ आत्मनिर्भरता, पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस, यू विल हैव टू गो लोकल टू फाइंड आउट. मेरी महिलाएं उस, मान लीजिए बहुत अच्छा बागबानी वाला गांव है, हनी बहुत क्रिएट हो सकती है, आप हनी क्रिएट कर सकते हो और आप फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर शुरू कर सकते हो. तो जरूरत वहां पड़ेगी. सर्वे जब करोगे पता चल जाएगा कि आपका माहौल कैसा है गांव में. गांव की कोई ना कोई ताकत होती है जो वो की क्रिएट कर सकती है. इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन SHG का उसके थ्रू हो सकती है. मैं आपको इसलिए कहूंगी पुलिस का, आपका लार्जर अम्ब्रेला क्या है IPS में? क्राइम प्रिवेंशन. आपका लार्जर पॉलिसी है हर हालत में पहले क्राइम प्रिवेंट करो, फिर अगर हो जाता है तो क्राइम को डिटेक्ट करो और डिटेक्ट करके उसको प्रोसिक्यूट करो, प्रोसिक्यूट करके उसको कन्विक्शन दिलवाओ ताकि वो क्राइम प्रिवेंट करे, ताकि सजा का डर पैदा हो कि वो जेल जाएगा और इतने दिन उसको सजा मिलेगी. तो एक लार्जर मैसेज, फिर से मकसद क्या है? क्राइम प्रिवेंशन. ये आपकी ओवरऑल पॉलिसी. अब गांव में उस क्राइम प्रिवेंशन को कैसे अप्लाई करोगे ये अब आपकी काबिलियत, आपकी लीडरशिप है. आपने ये देखना है कि मेरे गांव में मेरे साधन क्या हैं. रूरल पुलिसिंग में बड़ी कमी है, रूरल पुलिसिंग में हमारे नंबर्स में बड़ी कमी है. टेक्नोलॉजी की गाड़ी नहीं है या वायरलेस नहीं है या पैसे नहीं है उसके पास स्टेशनरी के, या स्टाफ कम है. लेकिन ये नहीं मतलब है कि हम कुछ कर नहीं सकते. हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. कैसे? जब आप SP बन के और आपका ASP और आपका SHO और आपका सब इंस्पेक्टर और आपका हवलदार जब लोगों के संपर्क में काम करता है, पंचायत के साथ काम करता है, महिला मंडल के साथ काम करता है, आपको पता क्या करते हो? आप वॉलंटियर क्रिएट करते हो, आप पुलिस वॉलंटियर क्रिएट करते हो, आप स्कूल के एक कॉलेज के साथ काम जब जोड़ते हो, आप एक सिटीजन वॉलंटरी फोर्स क्रिएट कर सकते हो, कॉल द CVF. तो जब सिटीजन वॉलंटरी फोर्स क्रिएट करते हो, और आप तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हो अंडर पुलिस एक्ट, ऑनरी, कोई पैसा नहीं देने की जरूरत. आप उनको अपॉइंट करेंगे क्या? ताकि आप उस एरिया का, आपको क्राइम प्रिवेंशन, आपको इंफॉर्मेशन देनी है अगर यहाँ कोई गुंडा या गुंडागर्दी कोई करता है, यहाँ कोई डोमेस्टिक वायलेंस होती है. सो इट्स नॉट दैट आपको, और इससे ज्यादा नहीं चाहिए. योर एक्ट इज एम्पावरिंग यू. लार्जर गोल ऑफ पुलिसिंग इज क्राइम प्रिवेंशन. आपको अपने एरिया का डिसाइड करना है कि मेरे इस गांव में मैं लोकल रिसोर्स कैसे क्रिएट करूं ताकि मेरे गांव में क्राइम प्रिवेंट हो. आपको याद होगा ब्रिटिश टाइम्स पर चौकीदार सिस्टम था. चौकीदार न्यू एवरीथिंग अबाउट दैट विलेज. यहाँ कौन आया कौन गया, तब लोग पॉपुलेशन कम थी, अर्बनाइजेशन भी नहीं थी, तो इजी था ना. तो अब आप क्या कर सकते हो? आप मोहल्ला वाइज भी कर सकते हो, आप अलग अलग एरियाज को बांट सकते हो, और आप अपना सिटीजन वॉलंटरी फोर्स ऑफ यूथ क्लब क्रिएट कर सकते हो. उस यूथ को आप रेगुलर स्टूडेंट कैडेट बना सकते हो, उनको रेगुलर ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको पुलिस के साथ जोड़ सकते हो, उनको बीट ऑफिसर के साथ जोड़ सकते हो, उनको पुलिस स्टेशन में लाके इंटर्नशिप दे सकते हो. आप बड़ा कुछ कर सकते हो. सो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है. आप खुद भी सेल्फ रिलायंट पुलिसिंग कर सकते हो, और इसमें महिलाएं भी, आप कॉलेज की लड़कियां दे सकते हो, आप महिला मंडल को जोड़ सकते हो. तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस यही करता है. मैंने ऐसी पुलिसिंग की. आपके जैसा अब आपके पास साधन उतने ही है प्रोपोर्शन में जितने मेरे पास थे, लेकिन अब काम तो हमको करना है ना. क्राइम भी प्रिवेंट करना है. कैसे करें ये थोड़ी कह सकते हाथ खड़े कर दे, मैं नहीं कर सकता. मेरे पास यही एक्सपीरियंस है. 4 सिपाहियों को मैं 400 बनाती थी, 4 सिपाहियों को 400, कैसे? ऐसे करके लोगों को इकट्ठा करके, लोगों से नाइट पेट्रोलिंग करके, लेकिन खुद नाइट जाग जाग के ट्रेनिंग दे दे के पढ़ा के यूथ फोर्स, यूथ ब्रिगेड करना इकट्ठा. 4 सिपाहियों को 400 बनाती थी, क्राइम कंट्रोल करती थी, क्योंकि मुझे तो क्राइम कंट्रोल हर हालत से करना है. मैं नहीं गवर्नमेंट को जाके कह सकती मेरे पास लोग नहीं है, होने दो रेप, होने दो डोमेस्टिक वायलेंस. सो दिस इज वेयर आवर ट्रेनिंग इज. दैट इज व्हाट द IPS लीडरशिप स्टैंड्स फॉर, इज इनोवेशन, creativity, resource generation, public cooperation, collaboration, volunteerism. तो ये आप खुद क्रिएट करोगे. आप चले, आपके टाइम पर तो रुक जाएगा. अब आपका आने वाला जो सक्सेसर होगा या तो वो स्कीम को चालू रखेगा या अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं देगा, उसको नर्चर नहीं करेगा, ओवरसीन दे, वो टूट जाएगा। लेकिन तुम्हारे होते क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज द वे। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर, यू जस्ट नीड योर ओन क्रिएटिविटी एंड विल एंड वांट कि मेरे होते हुए क्राइम गांव में नहीं होना चाहिए। तो कैसे नहीं होना चाहिए? पुलिस हो, पुलिस नहीं है, कम है, एक ही बीट ऑफिसर, उस बीट ऑफिसर को उनके साथ जोड़े ताकि वो जिम्मेवार बन जाए उस गांव का, और उसके साथ महिला मंडल, देयर आर यंग वुमेन। तो जब आप ट्रेन करेंगे उनको, क्लास लगाएंगे, वर्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप, आज तो टेक्नोलॉजी है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। व्हाट्सएप में झट से कोई बात आई, SHO को मैसेज आए, उसमें आप भी मेंबर हो जाए तो तुमको तो झट से पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। तो टुडे टेक्नोलॉजी, कल तो पहले तो हमारे होते तो फोन भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था, अब तो झट से व्हाट्सएप करोगी, पता चल जाएगी गुंडा इधर आया, उसने ये हरकत की है, जो तुरंत पुलिस जाएगी, उसको 107 150 में आके नोटिस सर्व करेगी, ला भाई श्योरिटीज, नहीं तो मैं तुझे बाउंड डाउन करता हूँ। तो अब आप पावर भी यूज कर सकते हो। सो देयरफॉर रवि, इट्स ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी। Thank you, ma'am. In fact, many of the things which you have talked about, we are following here in UP also. And thank you once again, ma'am. So you are doing the right thing. Then you just have to keep reinforcing it. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. This is the only way. Remember, to me, this is community policing. यही तो IPS में सिखाया जाता है. What is community policing? We have created digital volunteer force on WhatsApp and. Like 10, 15 people from every ward, we have added them, and I am also present in those WhatsApp groups, and we keep interacting, we keep getting inputs also, and that has been really beneficial for crime prevention as well as for making over the image of police, for improving image of police. So then your training has been right. Thank you, ma'am. Thank you. Good, very nice. Any other question, Dr. Roy? Unmute karo aap, aapka too much. Sunita ma'am, I request to just, I guess this is the final question from your side. Yes, final question. Ma'am, Sunita ma'am, please ask. एक सजेशन आपसे हम चाहेंगे कि इस कोविड-19 में घर से महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत महिलाएं कंप्यूटर जानती हैं, लेकिन अपने आप को साइबर क्राइम से वो कैसे प्रोटेक्ट करें, ये जानकारी हमारे यहाँ बहुत सारी महिलाओं को नहीं है। क्या आप इस पर थोड़ा दो शब्द कहना चाहेंगे कि उसमें क्या किया जाना चाहिए, या उसके लिए कैंपेन्स करने चाहिए, किस तरह से उसको न्यूज़ में दिखाना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए कि विमेन ये इजी प्रे ना हो जो साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं। गिव मी वन एग्जांपल, बिकॉज़ साइबर क्राइम्स के पैटर्न्स बहुत सारे हैं। आप कौन सा फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल? मैडम, जैसे कि महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया उन्होंने, और पेमेंट अगर हो रहा है बाहर का, ऑनलाइन पेमेंट अगर वो करते हैं, तो वो पेमेंट अगर सही नहीं हो पाता है तो कोई बाहर से अगर फोन करके उनसे उनका OTP नंबर मांग ले रहा है या नंबर मांग लेता है, तो वो महिलाएं दे देती हैं, बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती हैं, और बैंक का भी वो नंबर उनसे डिस्क्लोज कर देती हैं। तो इस तरह से क्या महिलाओं में कुछ ये अवेयरनेस रूरल लेवल में सरकार की कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप उनको यह अवेयर करें कि आप OTP ना बताएं या आपने ये नंबर ना बताएं। ये मुझे लगता है आप फिर से सरकार के पास चले गए और मैं फिर से गांव की पंचायत में वापस आ गई। मैडम, गांव में हम लोगों ने काफी सर्वे किया तो वहां थोड़ा ये देखा गया कि कंप्यूटर लिटरेसी बिल्कुल ही नहीं है। बक्सर में काफी, चौसा ब्लॉक में हमने बहुत सारे सर्वे किए हैं, तो कंप्यूटर लिटरेसी वहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चियां काम कर रही हैं कि समहाउ दे आर मैनेजिंग, और वहाँ लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो बैंक ट्रांजैक्शन वो नहीं कर पाती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सारी की सारी खुद इनके हाथों में है, नबार्ड भी ट्रेनिंग करती है और ये एक सेल्फ ट्रेनिंग इनकी, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है। लेकिन ये काम, ये ही है असली काम पंचायतों का, इसको कहते पंचायती राज। क्या पढ़ी लिखी औरतें नहीं है गाँव में? बहुत सारी है। दे कैन बी इंडक्टेड एज वॉलंटियर्स टू ट्रेन देम। सो अपना कसूर, पुलिस कहाँ कहाँ आपको ट्रैक करेगी? आपको भी तो क्राइम प्रिवेंशन में हिस्सादार बनना है, ताकि पुलिस के पास जो टाइम बचे वो असली चीज, वो ऐसी चीजों पे जाओ जो आप नहीं कर सकते। कोऑपरेटिंग विद द लोकल गवर्नेंस इज सेल्फ हेल्प, असली सेल्फ हेल्प ही। हम अपने लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करें क्राइम्स जो प्रिवेंटेबल है, हम अपने अपनी शिक्षा से क्राइम खुद भी प्रिवेंट करें। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है तो क्यों अलाउ की जा रही है? अगर दो औरतें घर में हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक औरत दूसरे की रक्षक बनती है। तो अगर दोनों ही एक दूसरे को पीटने लग जाए तो पुलिस कहाँ तक आपके घरों में घुसेगी? और यहाँ पड़ोस को पता है कि यहाँ पिटाई हो रही है, तो पड़ोस या तो दखल दे या बता दे 100 नंबर को, फिर किसी को तो बताए, काउंसलिंग सेंटर को बता दे, फैमिली काउंसलिंग सेंटर को बता दे। कुछ तो रोल प्ले करे पब्लिक। पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ग्रुप्स बना करके मोटिवेट करें और कानून के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में हम बच्चों को यूनिवर्सिटी सिस्टम में कुछ करिकुलम में चेंज करके उसको करने का प्रयास करें कि वो बच्चों को मार्क्स 5 मार्क्स 10 मार्क्स भी हो तो वो एक मोटिवेशनल स्पिरिट होगा कि उसके चलते भी बच्चे जाएंगे और वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये टेक्निकल एजुकेशन। और इस वक्त ऑनलाइन ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में ये मैसेजेस जाते जाएंगे। आपका सजेशन बहुत अच्छा रहा, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करने का प्रयास जरूर करते हैं। और धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत सहयोग रहा। अब मैं डॉक्टर राकेश रंजन से कहूंगी कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। थैंक यू सो मच मैम। महिम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा आपको टीवी पे ही देखता हूँ, पहली बार आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मेरे पूरे परिवार से लोगों ने बताया कि आज आपसे इंटरेक्ट करना, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रवि जी, आप अपने बिजी शेड्यूल से यूपी जैसे टफ जगह से आप इतना समय निकाल पाए शाम के समय में, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आग्रह पे आपने कीमती समय निकाला। रत्नेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज काफी जगह ट्रैवलिंग रहा था और काफी दिनों बाद कोर्ट भी खुला है, तो यू आर वेरी बिजी। और बाकी जो हमारे टेक्निकल टीम से लोग हमें जुड़े हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से बाकी जितने लोगों ने जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ राजभवन की पूरी टीम को, जिनको हमने काफी परेशान किया है और काफी किया, बट एनीहाउ समवन वे मैनेज टू। थैंक यू सो मच। आशा बहुत खुश है, राजभवन की बड़ी खुश होती है जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। Yes, ma'am. She is really helpful to all of us. Thank you so much, ma'am. मैं आशा करता हूँ कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट टाइम आपको पटना विश्वविद्यालय में देखते हैं। अच्छा, जरूर, धन्यवाद। Thank you.